वीडियो में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक्स के बारे में, आज हम उन्हीं बेसिक्स रूल्स के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। सो आज की क्लास होगी हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th, और ये इस सीरीज का, इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगर लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज मैं कराना चाहूँ, तो मैंने लास्ट वीडियो में कुछ इस तरह के कुछ फॉर्मूलेस बताए थे। तो जो भी मैंने फॉर्मूले बताए थे इसी ट्रिक के ऊपर ही वो सारे बेस्ड थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में एंड कॉस ए की वैल्यू, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है साइन सी की वैल्यू एंड कॉस सी की वैल्यू। सो करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बिना डायग्राम के नहीं करना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कोई ट्रायंगल एबीसी है और इसका राइट एंगल बी पर है। तो अगर मैं इसका कोई ट्रायंगल बनाऊं, तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका राइट एंगल बी पर है, मतलब यहाँ पे बी, यही इसी को राइट एंगल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बी है तो ए यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा। ठीक है, सो अगर हम गिवन कंडीशन को देखें, तो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दे रखी है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। सो फाइंड भी आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इसी को आप लिख सकते हो। सो देखिए अब क्या करना है हमें, हमें इस ट्रायंगल की दो साइडें पता है, ये हमें 24 सेंटीमीटर पता है और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए सी क्या होगी। तो देखो ट्रायंगल में एक रूल आपने सीखा होगा, अगर ट्रायंगल की बात करें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसी थ्योरम को हम अप्लाई करके ही इस ए सी को फाइंड करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। या फिर पाइथागोरस परिमेय। सो गाइस ए सी हमें फाइंड करना था, तो ए सी का स्क्वायर और ए बी हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी हमें दे रखा था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 वैल्यू रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 5 7 6 एंड 7 का स्क्वायर 49, और दोनों को हम सम करेंगे तो कितना आएगा 6 2 5। और आप लोगों को पता है स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट, और देखिए अब एसी बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 25 इंटू 25। ओके, वैसे देखो इतना तो मैं याद भी होना चाहिए, 625 किसका रूट होता है, वैसे एलसीएम में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, तो इसका एलसीएम लोगे। अब यहाँ पेयर बनाएंगे तो हमारा एसी एसी क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, एक पेयर से एक और एक पेयर। ठीक, आई होप आपको ये रूट सॉल्व करना आता होगा। सो अब हमारे पास एसी भी आ गया है, एसी आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये चीजें फाइंड करनी है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए देखो दो चीज मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, यहां पे दे रखा साइन ए, साइन ए हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए, और फिर कॉस ए भी फाइंड करना है। देखो साइन ए का मतलब है थीटा, ए फोर थीटा, और मैंने बताया था कि जिस तरफ थीटा होता है, ये अगर ए है तो इसके सामने ही क्या होता है पी, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो इस केस में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस सेम ही रहेगी। तो अगर हम साइन ए का जनरल फॉर्मूला या फिर साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला हम देखें, तो वो होता है पी अपॉन एच, जो
जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वाला यहां पे साइन होता है तो साइन का फॉर्मूला बन जाता है पी अपॉन एच, और इस ए की वजह से क्या हुआ, पी क्या बन गया, बी सी। सो इसको मैं लिख सकता हूं पी की जगह बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। अगर मैं बी सी और ए सी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 7/25। सो ये हो जाएगी साइन ए की वैल्यू। और अगर हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करें, कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉस यहां पे होता है तो बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच। एंड अगर मैं बी की वैल्यू पे रखूं, अब देखो ये इसके लिए भी तो थीटा ये होगा ना ए, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, अब कॉस ए लिखा हुआ तो थीटा ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस का क्या होगा, 24 या फिर ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बेस एंड हाइपोटेनस ए सी। ए सी तो ए बी और ए सी के वैल्यू हम अगर लिखें तो ए बी हमें क्या पता है, 24 सेंटीमीटर, तो 24, एंड बी सी ए सी हमें पता है 25 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो ये भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट वाइज देखना है, क्योंकि इसमें हमें देखा साइन सी, तो अगर साइन सी के वैल्यू हम फाइंड करें तो देखो अगर हम साइन सी को देखें तो साइन सी आता है यहां पे और सी यहां पे, तो इसके लिए पी होगा ये वाला, ये वाली वैल्यू, ये पी होगी और ये बी, एच हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो वही बनता है पी अपॉन एच, लेकिन इस कंडीशन के लिए क्योंकि साइन सी दे रखा है हम पी यूज करेंगे ए बी को, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, और ए बी की वैल्यू हमें क्या पता है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 ए सी की 25 सेंटीमीटर, सो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाय 25। अब बात करते हैं कॉस सी की, तो सेम ऐसे ही कॉस सी भी होगा। कॉस सी की बात करें तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और बी अगर इसमें देखें सी के हिसाब से, सी हमें थीटा दे रखा है, तो बी तुम्हारा ये होगा और एच तुम्हारा बी फोर, बी होगा बी सी और एच होगा ए सी। सो बी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी और एच की जगह लिख सकते हैं ए सी। तो बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये तो दे ही रखी थी, और ए सी हमने फाइंड भी किया था 25 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में जैसा बोला था फर्स्ट पार्ट में साइन ए एंड कॉस ए हमने फाइंड कर चुके हैं, एंड सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी हमने फाइंड कर चुके हैं। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।